आरिफ वाला से खबर शामिल करेंगे। मलिक मोहम्मद रमजान, मलिक आतिफ अजीज, इब्रार अहमद चौधरी किसी भी हंगामे सूरत हाल में सरकारी महकमों के इस्तेदाद इकार को जाँचने, अमली तरबियत और बरवकत कार्रवाई की सलाहियत की जाँच के लिए फ्लड मोह के एक्सरसाइज की आमद मुसलमा है। महकमों के वसायल मरबूत काविशें और तरबियत याफ्ता स्टाफ जब मैदान अमल में आते हैं तो मुश्किल हालात के बावजूद नताज बेहतर होते हैं और किसी भी नागहानी सूरत हाल में लोगों के जान व माल की हिफाजत के लिए बरवकत कार्रवाइयाँ मुमकिन हो सकती हैं। वो लोग जो मखलूक खुदा की खिदमत रहनुमाई और उनको मुश्किल हालात से निकालने के लिए अपनी खिदमत पेश करते हैं वो मुआशरे के अहम काबिल और बड़े लोग हैं। किसी भी हंगामी सूरत हाल में अपनी जानों की परवाह न करते हुए लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ना और उनके माल और जान को बचाने के लिए अपनी खिदमत पेश करना हर लिहाज से काबिल सताइश है। इन ख्यालात का इशारा डिप्टी कमिश्नर पाकपतन सादिया महन रेस्क्यू 1122 के ज़ेर एहतमाम होने वाली मूक एक्सरसाइज के मौके पर रेस्क्यू 1122 के जवानों महकमों के अफसान व अहलकारान से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अहमद फराज ऐवान, PDM अबजोर मोहम्मद ताहिर, रेस्क्यू सेफ्टी ऑफिसर पाकपतन अब्दुल रज़ाक डोगर, आरिफ वाला मंदूर सलीम समेत मुतलका महकमों के अफसरान भी मौजूद थे।